गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने 10th प्लस 2 पोएट्री सेक्शंस में पोयम स्टार्ट की हुई है, हमारी फिफ्थ पोयम ए रोड साइड स्टैंड स्टार्ट की हुई है। आज हम उसका फोर्थ स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं। इन स्टेंजा में पोइट जो है वो बड़ा ही बिटर और क्रिटिकल हो गया है, बड़ा ही कटाक्ष कर रहा है, कटु हो गया है। उसने कहा है कि इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल कीन। पिटीफुल कीन क्या है? ये पिटीफुल कीन कहा गया है उन किसानों की दयनीय अवस्था के लिए, जो उनकी बड़ी जो स्टेट है वो बड़ी ही क्रिटिकल स्टेट है। उनको कहा गया है कि अखबारों में आता है कि उन किसानों की जमीन के पैसे दे दिए जाते हैं, आर टू बी ब्रोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और उन सभी को शहर से दूर गांव में बसा दिया जाता है, जहां से टू लिव इन विलेज, जहां वो गांव में रहते हैं, जो कि नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और उन गांव से थिएटर और स्टोर मॉल शॉपिंग मॉल ज्यादा दूर नहीं रहते। अर्थात कहने का अर्थ यहां पर कवि कह रहा है कि सरकार जो क्या करती है कि उन किसानों की जमीन के बदले उन्हें पैसे देती है और उनको गांव में बसा देती है, और उन गांव से जो थिएटर्स हैं, सिनेमा हॉल हैं और स्टोर है वो ज्यादा दूर नहीं होते हैं। अर्थात उनके जो पैसे जो सरकार ने उन्हें पैसे दिए हैं वो वापिस पैसे इन थिएटर्स और इन शॉपिंग मॉल के जरिए वापिस ले सके। वेयर जहां दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, और जहां उन गांवों में जहां वो लोग रह रहे हैं, वो किसान रह रहे हैं, उनके पास दे वोंट हैव टू थिंक, वो नहीं सोच पाते फॉर देमसेल्फ अपने खुद के बारे में एनीमोर, बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते। व्हाई ग्रीड गुड डॉयर्स, ग्रीड लालची, गुड डॉयर्स अर्थात लालची राजनीतिज्ञ, बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे अर्थात वो हमेशा उनका फायदा उठाते हैं, बीस्ट ऑफ प्रे उन मासूम किसानों का हमेशा फायदा उठाते हैं, स्वयं ओवर देयर लिव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और ऐसा दिखावा करते हैं कि वो उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, अर्थात वो उनके लिए काम कर रहे हैं, अर्थात वो उनकी लाइफ को, उनके जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित कर रहे हैं, ऐसा वो दर्शाते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर वीट्स, और ऐसा करके वो उनको सूत का होता है वैसे तो बहला देना होता है, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वो उनको मूर्ख बना देते हैं, उनको बहला देते हैं, आउट ऑफ देयर विट्स अपनी बुद्धि से वो उन किसानों को बहला करके मूर्ख बना देते हैं। एंड बाय टीचिंग देम, और उन्हें सिखाते हैं हाउ टू स्लीप, और वो राजनेता जो लोग हैं वो हमेशा उन्हें शांतिपूर्ण सोने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि कैसे शांतिपूर्ण सोया जाता है। दे स्लीप ऑल डे, वो खुद तो पूरा दिन सोते हैं, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, लेकिन उन किसानों की रात को, किसानों की नींद को वो नष्ट कर देते हैं एट नाइट, रात्रि में, द एंशियंट वे, इस तरीके से, इस प्राचीन तरीके से वो खुद तो उन्हें शांतिपूर्वक सोने की सलाह देते हैं, खुद तो वो पूरे पूरे दिन सोते हैं, लेकिन उन सभी की नींद को वो हराम कर देते हैं, अर्थात उनकी नींदों को नष्ट कर देते हैं। रही इसमें मैं फिगर ऑफ स्पीच की बात करूं तो यहां पर ग्रीड गुड डॉयर्स, ये देखिए क्या ग्रीड गुड डॉयर्स या जी लेटर्स की रिपीटेशन आ रही है, इसलिए यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हमारा एलिट्रेशन है, अर्थात अनुप्रास अलंकार यहां पर है इस स्टैंजा में। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के साथ।